हेलो दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग अच्छे होंगे आई होप। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आज की क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं भिन्न की। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके अभी बचे हुए हैं, बाकी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारे टॉपिक्स आपके क्लियर करा दिए हैं। जितने भी चैप्टर थे वो सब लगभग आपके क्लियर हो चुके हैं, बस एक ये भिन्न बचा है और बाकी एक दो चैप्टर आपके बचे हुए हैं जो कि हम पिछले 2-3 दिन पे आपको करा देंगे। तो आज हम बात करेंगे भिन्न के बारे में कि भिन्न क्या होता है और कैसे भिन्न के क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं और एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे कि आज हम बात करेंगे भिन्न की, तो भिन्न की अगर बात करें तो यहाँ जैसे कि कोई चीज़ होती है अपने आप में, तो वो अपने पूरी होती है। तो यहाँ हमने माना कोई चीज़ है, ये पूरा हमने गोले में बना एक चीज़ है, ये गोला पूरा बना है। तो मतलब ये जैसे माना कोई गोला है आपके पास जिसको हम चार खंडों में बराबर में विभक्त करेंगे। तो ये आपके हो गए बराबर में, चार खंड में हमको इस पे बांटा। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो ये आपके चारों भाग हैं आपके, ये आपस में बराबर हैं। तो यहाँ जैसे ये चार हैं तो इसको हम लिख सकते हैं या फिर एक, या फिर लिख सकते हैं 4/4। 4/4 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक ही आएगा, तो मतलब एक को हम 4/4 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका हो गया। अगर हमसे बोला जाए कि इनमें एक भाग हटा दिया जाए, एक भाग हमने मान लिया ये वाला हटा दिया जाए, तो अगर हमसे पूछा जाए कि हटाए हुए भाग को क्या लिख सकते हैं, तो हटाए हुए भाग को लिख सकते हैं 1/4। 1/4 कैसे लिख लिया, मतलब कि एक भाग हट गया है और कितने भागों में, 4 भागों में, तो 1/4 हो गया। और अगर हमसे पूछे कि बचे हुए भाग को कैसे लिखेंगे, तो बचे हुए भाग में आपका 1, 2, 3, मतलब 3 भाग बचे हैं और कितने भागों में, 4 में, तो ये आपका हो जाएगा 3/4। तो ये आपका हो जाएगा 3/4। तो 3/4 में आप देखेंगे तो जो 3 होता है आपका वो अंश होता है, ऊपर वाला जो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो आपकी अंश होती है, और जो नीचे बटे के नीचे लिखा रहता है वो आपका हर होता है। तो जो भिन्न होता है आपका उसको हम 1/b के रूप में होता है या उसको लिख सकते हैं, और जो ए और बी होता है आपका वो आपकी प्राकृतक संख्या होती है। तो 1/b है तो 1/b में आपका ए अंश होता है और बी हर होता है। तो आइए कुछ भिन्न प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट हमने दिया है कि उचित भिन्न, तो जो उचित भिन्न होता है आपका वो वैसा भिन्न होता है जिसका अंश हर से छोटा होता है। अगर अंश आपका हर से छोटा हो तो वो आपका उचित भिन्न हो जाता है। जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल में लिया आपका 3/4, 5/9, etc. और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि आपके उचित भिन्न हो सकते हैं। यहाँ पर 3/4 में आपकी बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे आप तो जो अंश है आपका वो हर से छोटा है, मतलब जो हर है आपका वो बड़ा है और अंश आपका हर से छोटा है, तो ये आपका उचित भिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार 5/9 में बात की जाए तो 5 आपका जो अंश है वो आपका छोटा है और हर आपका बड़ा है, तो 5/9 में आपका 5 छोटा है मतलब कि अंश छोटा है, तो ये आपका हो गया उचित भिन्न। उसी प्रकार जैसे 2/8, 6/9, इन सब में आपका ये सब आपके उचित भिन्न है। इसी प्रकार बात की जाए अगर विषम भिन्न की, तो विषम भिन्न एकदम अपोजिट होता है, मतलब अगर अंश जो है हर से बड़ा हो जाए तो वो आपका विषम भिन्न हो जाएगा, अगर अंश हर से छोटा होगा तो वो आपका ये ऊपर वाला हो जाएगा आपका उचित भिन्न, अगर आपका अंश जो है वो हर से बड़ा हो जाता है तो आपका विषम भिन्न हो जाता है। तो यहाँ हमने जैसे एग्जाम्पल में लिया है 8/3, 15/9, ये सब आपके विषम भिन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अंश जो है आपका वो हर से बड़ा होता है, तो ये आपका विषम भिन्न हो गया। इसी प्रकार इस 15/9 में देखेंगे तो 15 आपका बड़ा है, मतलब 15 जो है वो आपका अंश है, तो अंश बड़ा है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है आपका विषम भिन्न हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें मिश्र भिन्न की, तो मिश्र भिन्न जो आपका होता है वैसा भिन्न होता है जिसमें एक पूर्णांक होता है और एक उचित भिन्न होता है। तो यहाँ पर आप जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 4/2/3, 2/1/5, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो 4 है वो कब पूर्णांक हो जाएगा और 2/3 आपका भिन्न हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4/2/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4/2/3 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3×12, 12+2, 14/3। तो जो आपका मिश्र भिन्न होता है उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आपका जो आगे चल के बन जाता है वो आपका विषम भिन्न बन जाता है। ये विषम भिन्न इसको हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे तो जो आपका 14 है मतलब अंश है वो हर से बड़ा है,
तो हर से बड़ा है तो मतलब कि आपका विषम भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर मिश्र भिन्न को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो आपका विषम भिन्न बन जाता है। तो आइए बात करते हैं यहाँ जैसे 2 से 1/5 की, यहाँ एग्जांपल नंबर 2 हमने लिया है 2 से 1/5। तो 2 से 1/5 में भी आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 10 = 11/5 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ अंश बड़ा है तो मतलब ये आपका विषम भिन्न हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं मिश्र भिन्न का, तो उसे जब आप सॉल्व करेंगे ना तो वो आपका विषम भिन्न ही होगा। इसके बाद बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि दशमलव भिन्न। तो जो दशमलव भिन्न होता है वो भिन्न होता है हर जो है वो या 100 या 10 या 1000 या 10000 ऐसे रहे तो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। तो यहाँ जैसे आप बात करें, ये हमने लिया 5/100, तो 5/100 को हम जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं तो मतलब 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 0.05। फिर हमने दूसरा 8/10, तो यहाँ पर 1 जीरो है तो मतलब 1 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो ये आपका हो गया 0.8। इसको हम 0.8 या 0.08 भी लिख सकते हैं, लेकिन 0 लिखना भी इसलिए होता है। तो इसके अगर हम बात करें 218/1000 में, तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 जीरो हैं तो 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.218। तो ये आपका हो गया दशमलव भिन्न। और आप लोगों की जो एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है अलग से सुपर डेंट के मैथ्स की, वो आप प्लेलिस्ट अगर किसी भी कोई भी क्लास आपकी मिस हो गई हो तो आप उसी प्लेलिस्ट में जाके पूरी क्लास दोबारा से देख सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास अच्छी लगी। और यहाँ बात करें हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है आपका जैसे सदस्य भिन्न। तो सदस्य भिन्न जो आपका बहुत भिन्न होता है वो उनका हर आपका समान होता है। तो अगर हर हमारा समान होगा तो वो आपका सदस्य भिन्न हो जाएगा, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल में 3-4 भिन्न ले रखे हैं, तो यहाँ जैसे 2/11, 8/11, 5/11 और 6/13 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इनमें जो हर है आपके वो समान है चारों भिन्न, तो ये चारों भिन्न जो है आपके वो सदस्य भिन्न हो जाएंगे। तो या अगर हर आप ये बात याद रखिएगा कि अगर हर समान है आपका तो वो सदस्य भिन्न हो जाएंगे। और जैसे कि हमसे कोई कंपैरिजन करने के लिए बोलता है, मतलब कि जैसे कि 2 आपके फ्रैक्शन दिए हों, 2 भिन्न दिए हों आपके, और उसमें से पूछे कौन बड़ा है या छोटा है, तो हम उसको यही सदस्य भिन्न उसको बना लेते हैं, मतलब कि हर उनके समान कर लेते हैं, तब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमको पता चल जाता है इजिली कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। आइए हम इसको इस बात को आगे समझाएंगे एक क्वेश्चन करके। तो अगर यहाँ बात करें नेक्स्ट जैसे कि आपका सदस्य भिन्न की, मतलब कि अनलाइक फ्रैक्शन की, तो यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन में आपका जो भिन्न होता है वो आपका उसमें आपका जो हर होता है वो समान नहीं होता है। अभी आपने सदस्य भिन्न में देखा, मतलब लाइक फ्रैक्शन में, तो आपका हर जो होता है वो समान होता है, लेकिन अगर वहीं हम बात करें अनलाइक फ्रैक्शन की, मतलब असदस्य भिन्न की, तो वहाँ पर आपका जो हर समान नहीं होता है। तो यहाँ जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है 6/13, 2/12 और 8/3 और 9/6, ये चारों फ्रैक्शन जो है आपके वो अनलाइक फ्रैक्शन है। तो ये आगे बात करते हैं यहाँ, तो यहाँ बात करेंगे हम समतुल्य भिन्न की। तो समतुल्य भिन्न जो होता है वो उसका मान जो होता है सदैव समान होता है, चाहे हम जितना भी मल्टीपल करके लिख लें, अगर हम उसको सॉल्व करेंगे, या जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है 3/4, 6/8, 9/12, 12/16 और 15/20। तो जैसे कि यहाँ 6/8 की बात की जाए, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 3/4 हो जाए, मतलब जो आपके ये मान निकल के आएगा वो हमेशा समान ही रहेगा। उसी प्रकार अगर हम 9/12 को सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 3/4 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3/4 हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो भी आपका 3/4 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो आप चाहे जैसा भी भिन्न हो, अगर उसका मान समान रहता है तो वो आपका समतुल्य भिन्न हो जाता है, चाहे जितने भी मल्टीपल में हो आपका वो, अगर उसकी वैल्यू समान होती है सारे भिन्नों में तो वो आपका समतुल्य भिन्न कहलाता है। इसके बाद जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है अभी, जो हम ऊपर बता रहे थे कि हर हम समान करके बड़ा या छोटा बता सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम बात करें, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/4, 3/5 में कौन बड़ा है। तो यहाँ पर हमको बड़ा पूछा है कि बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है आपका, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका हर समान कर लेंगे। हर समान करेंगे तो यहाँ पर 4 और 5 है, तो 4-5 का हम पहले लासा ले लेंगे, लासा लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 20। 4 और 5 का लासा आपका
आपका होता है 20, तो ये आपका नासा हो जाएगा 20। तो यहाँ 20 है, तो मतलब कि हमने हर मान लिया जो आपका है वो 20 है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे 2/4 की, तो 2/4 की बात करेंगे तो मतलब हमको हर 20 बनाना है। तो हर हमको 20 बनाना है और हमारे पास हर 4 दिया हुआ है, तो 4 में हम अगर 5 मल्टीप्लाई कर दें तो आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर हम हर में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमको ऑब्वियस सी बात है हमको अंश में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन जो दिया हुआ है वह आपका गलत हो जाएगा, मतलब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप हम अंश और हट दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2×5/4×5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2×5=10 हो जाएगा और 4×5=20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2×4 को हम लिखेंगे 10/20, क्योंकि हमको हर समान करना है इसलिए हम ये रूल अपना रहे हैं। तो अब बात करेंगे यहाँ 3/5 की, तो 3/5 में भी हमको हर जो है आपका वो 20 बनाना है। तो यहाँ नीचे बटे में आपका जो है हर जो है 5 दिया हुआ है, हमको 20 बनाना है। तो हम अगर 5 को 4 मल्टीप्लाई कर दे तो आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम हर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4। तो हम यहाँ 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 3×4 और 5×20, तो ये हो जाएगा आपका 12/20। तो यहाँ आप देखेंगे कि इन दोनों के हर जो है आपके अब समान हो गए। तो हमसे यहाँ बड़ा पूछा जा रहा है, तो ये आपका ये जो 12/20 है आपका, ये आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 12 एक बड़ी संख्या होती है अकॉर्डिंग टू 10। तो ये आपका हो जाएगा 12/20। 12/20 जो है आपका वो निकल गया है 3/5 का। तो मतलब यहाँ आपसे 2/4 और 3/5 में बड़ा पूछा था, तो मतलब जो 3/5 है आपका वो 2/4 से बड़ा होगा। तो यहाँ हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आपका 3/5 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट में जाकर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और अगर आपको प्लेलिस्ट या कोई भी क्लास आपकी मिस हो गई है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरी क्लासेस देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।